Hello students, today we are taking chapter number 3, Understanding Quadrilaterals. We have some content of this chapter: introduction, polygons and classification of polygons, diagonal, convex and concave polygon, regular and irregular polygon, angles, some property, some of exterior angle of a polygon, kinds of quadrilateral, angles, diagonals of a parallelogram, some special parallelogram. Now firstly we are talking about the introduction of quadrilaterals and the plane surface curve. You know that the paper is the model for a plane surface. आप जानते हैं कि एक जो blank paper होता है वो model होता है किसका? Plane surface का, समतल जगह का. When you join a number of points without lifting a pencil from the paper, जब आप join करते हैं बहुत सारे points को बिना pencil को उठाए, बिना pencil को lift किए, एक ही line में जब आप pencil को क्या करते जा रहे हैं, सारे points को join कर रहे हैं, तो आपके पास में क्या मिल जाएगा? You get a plane curve. आपको एक plane curve मिलेगा, simple curve मिलेगा. Now next topic is the polygons and classification of polygons. Firstly हम polygons की बात करते हैं. Polygons क्या होता है? A simple closed curve made up of only line segments is called a polygon. एक simple closed curve जो बना हुआ है केवल किससे? Line segments से, is called a polygon. आपने line segments, ray और line पढ़ी होंगी. Line segments क्या होते हैं? जिसके कितने end points हों? 2 end points हों. उनसे बनाया हुआ एक सिंपल क्लोज कर्व क्या कहलाता है? पॉलीगन्स. और पॉलीगन्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ट्रायंगल से. ट्रायंगल इज अ पॉलीगन. ओके, नाउ अब हम एग्जांपल्स की बात करते हैं. जैसे मैंने बता रखा है कर्व्स दैट आर पॉलीगन्स, ये ब्लैक कलर की शेप्स जो आपको दिख रही हैं, ट्रायंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, दीज आर द पॉलीगन्स. बट इन द राइट साइड कर्व्स दैट आर नॉट पॉलीगन्स because it is not curved, not closed, so it is not a polygons. Now अब हम बात करते हैं classification of polygons की. We classify polygons according to the number of sides or vertices they have. हम number of sides या vertices जितने भी हुए हैं उसके आधार पर classify करते हैं. जैसे मैंने first बोल रखा है 3 vertices, 3 corners दिख रहे हैं आपको triangle में, 3 corners हैं, 3 vertices हो गए, तो इसको क्या बोलेंगे? ट्राइंगल. 4 vertices वाले को quadrilateral. 5 vertices से हमारे पास स्टार्ट होते हैं pentagon. 5 vertices वाले को क्या बोलेंगे? 5 sides और 5 vertices को pentagon. 6 sides और 6 vertices वाले को hexagon. 7 vertices and 7 sides को क्या बोलेंगे? heptagon. 8 vertices and 8 sides को octagon. 9 को बोलते हैं नैनागॉन, वो आप लिखा नहीं है मैंने. नेक्स्ट 10 पे आ जाते हैं, 10 वाले को बोलते हैं डेकागॉन. ओके, अब बात करते हैं डायगोनल्स की. व्हाट इज अ डायगोनल्स? अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन. एक डायगोनल है जो लाइन सेगमेंट कनेक्ट करता है टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन. मतलब दो अपोजिट वर्टेक्स को जो लाइन कनेक्ट करती है वो क्या कहलाती है? डायगोनल. जैसे मैंने ये डायग्राम में बना रखा है, एक आपके पास क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस, हियर इज अ पी एस एंड क्यू आर इज अ डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस. कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव पॉलीगन. कॉन्वेक्स पॉलीगन, a convex polygon is defined as a polygon with all its interior angles less than 180 degree. Convex polygon क्या कहलाता है? एक polygon है with all its interior angles, जिसके सभी interior angles क्या हों? Less than 180 degree हों. कोई भी angle 180 degree से ज़्यादा का नहीं होता है, सारे degree क्या हों? 180 degree से कम के होते हैं, क्या कहलाते हैं? Convex polygons. अब बात करते हैं, जैसे मैंने इसमें शेप्स में भी दिखाया है आपको, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं? कॉन्वेक्स पॉलीगन्स.
कॉनकेव पॉलीगन्स में आते हैं. कॉनकेव पॉलीगन्स, अ कॉनकेव पॉलीगन इज डिफाइंड एज अ पॉलीगन इन विच एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल इज मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री. कॉनकेव पॉलीगन में क्या होगा, आपको कम से कम एक इंटीरियर एंगल ऐसा होना चाहिए जो क्या हो, 180 डिग्री से तो अधिक हो और 360 डिग्री से कम हो. क्या कहलाएगा, कॉनकेव पॉलीगन्स. अब बात करते हैं रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स की. रेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं, अ रेगुलर पॉलीगन इज बोथ इक्वल एंगुलर एंड इक्वलैटरल. रेगुलर पॉलीगन्स की बात करते हैं तो रेगुलर पॉलीगन्स हो जाएंगे जिसके क्या हों, सभी एंगल्स इक्वल हों और सभी साइड्स भी क्या हों, इक्वल हों जिस पॉलीगन की, वो क्या कहलाते हैं, रेगुलर पॉलीगन्स. फॉर एग्जांपल, अ स्क्वायर हैज साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर. एग्जांपल के लिए हम देखते हैं कि एक स्क्वायर है, उसकी चारों फोर साइड्स इक्वल होती हैं और फोर एंगल्स भी 90 डिग्री के होते हैं, तो इसमें दोनों चीज़ इक्वल हो गई, इक्वल एंगुलर एंड इक्वल लेटरल, सो इट इज़ अ रेगुलर पॉलीगन. अब बात करते हैं हम रेक्टेंगल की. क्या रेक्टेंगल इज़ अ रेगुलर पॉलीगन? नो, रेक्टेंगल इज़ नॉट अ रेगुलर पॉलीगन बिकॉज अ रेक्टेंगल इज़ इक्वल एंगुलर बट नॉट इक्वल लेटरल. इसके ऑल एंगल्स 90 डिग्री के तो होते हैं लाइक एज अ स्क्वायर, बट ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, ओनली अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो इट इज़ नॉट अ रेगुलर पॉलीगन. जैसे नीचे शेप्स में बताया है मैंने, रेगुलर पॉलीगन्स के लिए एक ट्राइंगल दे रखा है आपको. ट्राइंगल में इक्वलैटरल ट्राइंगल जो होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल ना, ये आपको दो साइन दिख रहे होंगे इक्वल के जो मैंने हर साइड्स पे लगाए हैं, दैट मीन दीज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड इन द स्क्वायर ए बी सी डी ऑल साइड्स आर इक्वल ऑल्सो. अब बात करते हैं इरेगुलर पॉलीगन्स की. इरेगुलर पॉलीगन्स क्या हैं, अ पॉलीगन दैट नॉट इक्वल एंगुलर और इक्वल लेटरल इट इज़ कॉल्ड इरेगुलर पॉलीगन. जैसे अभी हमने रेक्टेंगल की बात की थी कि रेक्टेंगल में यदि वो इक्वल एंगुलर हो, उसके एंगल्स तो इक्वल हों बट साइड्स इक्वल ना हों, या साइड्स इक्वल हों बट एंगल्स इक्वल ना हों, तो क्या कहलाते हैं, इरेगुलर पॉलीगन. फॉर एग्जाम्पल, आर रेक्टेंगल इज इरेगुलर पॉलीगन बिकॉज इट्स ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल. जो मैंने नीचे दिखा रखा है आपको, पी क्यू आर एस इज़ अ रेक्टेंगल बट इन दिस पी एस इक्वस टू क्यू आर एंड पी क्यू इक्वस टू एस आर, बट पी एस इज़ नॉट इक्वस टू पी क्यू, सो इट इज़ नॉट अ रेगुलर पॉलीगन, इट इज़ अ इरेगुलर पॉलीगन. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में एंगल्स सम प्रॉपर्टी. एंगल्स सम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इसके लिए हमारे पास ट्राइंगल्स के लिए सम ऑफ द मेजर ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री. ट्राइंगल्स की तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री. क्वाड्रिलेटरल्स की बात करते हैं इसी प्रकार, द सम ऑफ द मेजर ऑफ द फोर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज़ 360 डिग्री. क्वाड्रिलेटरल्स के भी इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री. अब जैसे ही हम पॉलीगन्स पे आ जाते हैं, जैसे ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल, अब आता है पेंटागन. तो पेंटागन के लिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पेंटागन के लिए हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, इन सब के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, हम उसमें एन की वैल्यू पुट करेंगे और हमें इंटीरियर एंगल्स का सम पता चल जाएगा, ऑल इंटीरियर एंगल्स का सम. सो हैंस वी हैव अ फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन इज एज फॉलोज, एन माइनस टू मल्टीप्लाई 180 डिग्री. हेयर एन इज़ नंबर ऑफ साइड्स, यहाँ पर एन है नंबर ऑफ साइड्स. जैसे पेंटागन के लिए नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है, 5, सो यू हैव टू पुट 5, 5 माइनस 2 इज 3, 3 मल्टीप्लाई 180 थ्री ज़ा 540 डिग्री. पेंटागन के ऑल इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, 540 डिग्री. यदि आपको ईच इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है पॉलीगन का, तो ईच इंटीरियर एंगल के लिए आप क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n माइनस टू मल्टीप्लाई 180 अपॉन n. ओके, सो हेयर इज ऑल्सो n इज नंबर ऑफ साइड्स. नेक्स्ट इज सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल इज 180 डिग्री. लीनियर पेयर जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया है, पी क्यू इज़ अ स्ट्रेट लाइन एंड ओ इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू. ओ के ऊपर ओ आर क्या कर रहा है, पी क्यू को कट कर रहा है. तो ये देखो दो एंगल्स बना रहा है, एक एंगल का नाम है एंगल पी ओ आर और दूसरे एंगल का नाम है एंगल आर ओ क्यू. तो इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री. नेक्स्ट इज
sum of the interior and exterior angle is 180 degree. Interior angles जो diagram के inside बने हुए होते हैं और exterior angles जो diagram के outsides बने होते हैं, उन दोनों angles का जो sum होगा वो कितना होगा? 180 degree. Next is sum of the angle on a straight line is 180 degree. स्ट्रेट लाइन पर किसी भी एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री. भले ही स्ट्रेट लाइन पर कितने भी एंगल्स बने हुए हों, उन सब का सम कितना होता है? 180 डिग्री. सम ऑफ द एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री. किसी भी सेंटर पर, सेंटर का कोई पॉइंट है, सेंटर है, उसके चारों तरफ यदि 4 या 5 एंगल्स बने हुए हैं तो उन सारे एंगल्स का सम कितना होगा? 360 डिग्री. सेंटर पर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है. सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री. एडजेसेंट एंगल्स की बात करते हैं. एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? एडजेसेंट जो टू लाइंस वन ट्रांसवर्सल के थ्रू बने हुए होते हैं, ट्रांसवर्सल मतलब टू पैरेलल लाइंस हैं, उनको एक ट्रांसवर्सल क्या कर रहा है? कट कर रहा है. तो उस ट्रांसवर्सल से लगे हुए दोनों पॉइंट्स क्या होंगे? एडजेसेंट एंगल्स होंगे. और एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री. नेक्स्ट टॉपिक इज द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन. अभी तक हम बात कर रहे थे इंटीरियर एंगल्स की, अब बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल्स की. सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन. आपके पास क्वाड्रिलेटरल हो, ट्राइंगल हो, यदि हम एक्सटीरियर एंगल्स की बात कर रहे हैं तो एक्सटीरियर एंगल्स का सम सभी पॉलीगन्स के लिए 360 डिग्री होता है, नो चेंज. बट अगर हम ईच एक्सटीरियर एंगल की बात करें फाइंड आउट करने के लिए, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 360 अपॉन एन. हियर एन इज नंबर ऑफ साइड्स. जैसे हमें पेंटागन के लिए निकालना है कि ईच एक्सटीरियर एंगल कितने का होगा इसमें, तो 360 अपॉन 5 कर देंगे हम, तो 5 से हम 360 को कट करते हैं तो आएगा 72 डिग्री. तो पेंटागन का ईच एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का होता है? 72 डिग्री का. पेंटागन के लिए इसलिए 72 डिग्री का होगा क्योंकि पेंटागन इज अ रेगुलर पॉलीगन, बिकॉज इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल साइड्स ऑल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं. क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास में ट्रेपेजियम है. फर्स्ट ट्रेपेजियम, व्हाट इज अ ट्रेपेजियम? ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल विद पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स. इसमें ओनली वन पेयर होता है पैरेलल साइड्स का एंड अदर आर नॉन पैरेलल साइड्स. जैसे मैंने डायग्राम में बताया है, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए डी इज पैरेलल टू बी सी एंड ए बी सी, ए बी एंड सी डी आर नॉन पैरेलल साइड्स. डायग्राम में दिख रहा है आपको, मैंने हाईलाइट किया है ए डी पैरेलल है बी सी के, क्योंकि वो दोनों कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. तो जो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं क्या कहलाती हैं? पैरेलल लाइंस. और जो लाइंस एक दूसरे को कट कर देती हैं वो नॉन पैरेलल लाइंस या इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती हैं. जैसे ए बी और सी डी को यदि हम आगे बढ़ाते हैं तो वो एक दूसरे को कट करेंगी, सो इट इज़ नॉन पैरेलल साइड्स. नेक्स्ट टॉपिक इज़ अ काइट. काइट की बात करते हैं. काइट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. काइट एक विशेष प्रकार है क्वाड्रिलेटरल का. अ काइट हैज़ 4 साइड्स, इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल. अ क्वाड्रिलेटरल है दैट मीन्स इट हैज़ अ 4 साइड्स. 4 साइड्स तो इसमें है ही. दूसरा पॉइंट, देयर आर एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट कंसेक्यूटिव पेयर ऑफ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ. इसमें 2 डिस्टिंक्ट कंसेक्यूटिव पेयर्स होते हैं जो इक्वल लेंथ के होते हैं. जैसे मैंने एक काइट बना के शो की है आपको, पी क्यू आर एस काइट है. इसमें आपको दिख रहे होंगे 2 डिस्टिंक्ट कंसेक्यूटिव पेयर ऑफ साइड्स, जैसे कि पी क्यू एंड पी एस आर इक्वल. मैंने 1-1 लाइन से डिनोट किया है इनको, तो पी क्यू एंड पी एस आर इक्वल एंड क्यू आर एंड एस आर इज ऑल्सो इक्वल. डिस्टिंक्ट मतलब जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं काइट्स की, जो एक दूसरे से अटैच हैं, एडजेसेंट साइड्स हैं, वो आपस में क्या होती हैं? इक्वल होती हैं. नेक्स्ट बात करते हैं पैरेललोग्राम की. पैरेललोग्राम से रिलेटेड हमारे पास में और भी आगे टॉपिक्स हैं, तो हम पैरेललोग्राम को थोड़ा ध्यान से देखेंगे. व्हाट इज़ अ पैरेललोग्राम? अ पैरेललोग्राम इज़ अ क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम. जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया ए बी सी डी. ए बी सी डी में ए बी पैरेलल है सी डी के एंड AD is also parallel to BC because it will not intersect each other at any point. So these both are parallel sides.
नाउ बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. दे आर फोर साइड्स एंड फोर एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम में फोर साइड्स होती हैं, फोर एंगल्स हैं. सम ऑफ दीज आर इक्वल. उनमें से सभी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. मतलब साइड्स आर इक्वल. नॉट पैरेललोग्राम में ये नहीं है कि ऑल एंगल्स आर इक्वल. नॉट सम ऑफ दीज आर इक्वल. इसके आगे टाइप्स हैं वो हम पढ़ेंगे. दे आर सम टर्म्स एसोसिएटेड विद दीज एलिमेंट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर. फर्स्ट गिवन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी. दिया हुआ है आपको एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी. ए बी एंड डी सी आर अपोजिट साइड्स. ए डी एंड बी सी फॉर्म अनदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स. आपको दोनों अपोजिट साइड्स बता दी. एंगल ए एंड एंगल सी आर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स. एंगल ए और एंगल सी दोनों क्या हैं? पेयर हैं अपोजिट एंगल्स के. अनदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स वुड बी एंगल बी एंड एंगल डी. ए बी एंड बी सी आर एडजेसेंट साइड्स. ए बी एंड बी सी आर एडजेसेंट साइड्स. दिस मीन्स वन ऑफ द साइड्स स्टार्ट वेयर द अदर एंड्स. इसका मतलब है कि एक साइड जहाँ से स्टार्ट होती है दूसरी साइड वहाँ से स्टार्ट हो जाती है. एक साइड जहाँ पर एंड होती है दूसरी साइड वहाँ पर स्टार्ट होती है. तो क्या आप बता सकते हैं बी सी एंड सी डी एडजेसेंट साइड्स टू? तो हाँ, बी सी एंड सी डी एडजेसेंट साइड्स ऑल्सो. ट्राई टू फाइंड टू मोर पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स. और भी फाइंड आउट कर सकते हैं आप, जैसे सी डी और ए डी हो गया, ए डी डी ए एंड ए बी हो गया. दीज आर द पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स. नेक्स्ट पॉइंट इज एंगल ए एंड एंगल बी आर एडजेसेंट एंगल्स. एंगल ए और एंगल बी, जैसे ये ए डी एंड सी बी दो पैरेलल लाइंस हैं और ए बी इज़ द ट्रांसवर्सल. मैंने अभी बताया था आपको, तो ट्रांसवर्सल के दोनों साइड्स में देखो एंगल्स बने हुए हैं, एंगल ए और एंगल बी. तो दोनों ही क्या है? एडजेसेंट एंगल्स. तो इन एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री. एंगल ए प्लस एंगल बी इज 180 डिग्री. दे आर एट द एंड्स ऑफ द सेम साइड. एंगल बी एंड एंगल सी आर ऑल्सो एडजेसेंट. आइडेंटिफाई अदर पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम. एंगल सी एंड एंगल डी आर ऑल्सो एडजेसेंट. एंगल डी एंड एंगल ए आर ऑल्सो एडजेसेंट. अब हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं. पैरेललोग्राम की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, फर्स्ट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ. पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं आपस में क्या होती हैं? इक्वल होती हैं. अपोजिट साइड्स आर इक्वल. अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. इट इज़ द प्रॉपर्टी नंबर टू. प्रॉपर्टी नंबर थर्ड इज़ द एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री. एडजेसेंट एंगल्स, पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ. सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री. क्वेश्चन नंबर फोर, प्रॉपर्टी नंबर फोर की बात करते हैं. द डायगनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. जो पैरेललोग्राम के डायगनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में आता है सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स. ये हमारा एक्सरसाइज 3.4 से रिलेटेड है. एक्सरसाइज 3.4 में हमारे पास में कुछ स्पेशल पैरेललोग्राम्स आएंगे जिनकी हम बात करते हैं. जैसे मैं फर्स्ट बात कर रहा हूँ पैरेललोग्राम की. अभी जैसे बात करके आए हैं पैरेललोग्राम. अ क्वाड्रिलेटरल विथ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. इसकी प्रॉपर्टीज अभी हमने पढ़ी थी. अपोजिट साइड्स आर इक्वल. अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. डायगनल्स बाइसेक्ट वन अनदर, ईच अदर या वन अनदर. सेकेंड इज रियॉम्बस इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रियॉम्बस? अ पैरेललोग्राम विथ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ. जिसकी रियॉम्बस का मीन्स हो गया इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल. सो प्रॉपर्टीज ऑफ द रियॉम्बस इज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम. डायगनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. मतलब सारी प्रॉपर्टीज़ पैरेललोग्राम की जैसी हैं, बस एक प्रॉपर्टी है कि जो इसके डायगनल्स हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं बट एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होते हैं. मतलब सेंटर पर जो एंगल्स बनता है डायगनल्स के, डायगनल्स जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर एंगल कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का राइट एंगल बनता है. अब बात करते हैं रेक्टेंगल की. अ पैरेललोग्राम विथ अ राइट एंगल. एक पैरेललोग्राम जिसके ऑल एंगल्स क्या हों? राइट एंगल्स हों, क्या कहलाता है? रेक्टेंगल. जैसे प्रॉपर्टीज़ हैं वही प्रॉपर्टीज़ पैरेललोग्राम की हैं. और इसमें सेकंड प्रॉपर्टी है ईच ऑफ द एंगल इज़ राइट एंगल. एंड थर्ड इज़ डायगनल्स आर इक्वल. इसके डायगनल्स भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं. स्क्वायर की बात करते हैं. स्क्वायर क्या है? अ रेक्टेंगल विथ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ. ये एक रेक्टेंगल के जैसा ही है स्क्वायर,
बट रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, बट इन द स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल। इसमें सारी प्रॉपर्टीज जो रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और रोम्बस की हैं वो सारी प्रॉपर्टीज स्क्वायर की होंगी। अब काइट की बात करते हैं, अ क्वाड्रिलेटरल विद एग्जैक्टली टू पेयर्स ऑफ इक्वल कॉन्जिक्यूटिव साइड्स। अभी मैं काइट के बारे में आपको बता ही चुका हूँ, काइट की जब भी बात करते हैं मतलब एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ओके, एंड एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल एंड वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट द अदर। इसमें भी डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ओके। नाउ योर चैप्टर इज फिनिश।